वेव्स, वेव्स की रिवीजन, नेक्स्ट टाइम वेव्स का टेस्ट। तो वेव्स के अंदर रीजन ऑफ वेव मोशन, इलास्टिसिटी, इनर्शिया। जब वेव प्रोपोगेट करती है, ध्यान आगे, जब वेव प्रोपोगेट करती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, ये याद रखना। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेव मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, मैकेनिकल के लिए चाहिए मीडियम प्रोपोगेट करने के लिए। ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म में। तो अगर ये एक वेव है, यहां से लेके यहां तक वेव की लेंथ है और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/ टाइम पीरियड। तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव है सॉलिड के अंदर अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, ये करने की जरूरत नहीं है। स्टील रॉड अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो, वाई फॉर यंग मॉडुलस, लिक्विड या गैस में अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के का मतलब बल्क मॉडुलस। क्वेश्चन 3 नंबर में आना चाहिए लैपलेस के ऊपर, हर बार आता है। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन का फॉर्मूला इसलिए नहीं आता या आ सकता है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इनकरेक्ट वैल्यू देता है, पर आ जाएगा बड़ी बात नहीं है। न्यूटन का कैलकुलेशन भी आ सकती है आपको, न्यूटन लैपलेस दोनों कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकाली अंडर रूट ऑफ के बाय रो, के का मतलब इसने एज्यूम किया कि जो साउंड ट्रेवल करती है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस ट्रेवल करती है। तो उसने आइसोथर्मल कंडीशंस पर बल्क मॉडुलस निकाला, माइनस चेंज इन प्रेशर डीवी बाय वी। तो यहां से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल की कंडीशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, पी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पी इज अ कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो कि आएगी किसके इक्वल आ गई, प्रेशर के इक्वल आ गई। तो आप यहां पर बल्क मॉडुलस की जगह क्या पुट कर सकते हो, प्रेशर। प्रेशर आपको गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, आपको डेंसिटी पता है, वैल्यू पुट करके 280 आंसर आया जो कि रॉन्ग था। तो इसको किसने करेक्ट किया, लैपलेस। आएगा न्यूटन्स फॉर्मूला ड्राइव करना आएगा या लैपलेस आएगा, दोनों में से एक पक्का आएगा। तो लैपलेस ने यह कहा कि जो साउंड ट्रेवल करती है वो अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस करती है, आइसोथर्मल नहीं करती। एडियाबैटिक कंडीशन में उसने एडियाबैटिक की कंडीशन लिखी, इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार पी कांस्टेंट, गामा पावर नीचे, एक पावर कम इंटू डीवी, वी की पावर गामा इंटू डीपी और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। सॉल्व किया यहां से, सॉल्व करके बल्क मॉडुलस कितना आया, गामा पी, न्यूटन में आया था पी, एडियाबैटिक में आएगा गामा पी, याद रखना है। तो आप ऊपर फॉर्मूले में इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, गामा पी। गामा एयर का पता था, प्रेशर पता था और डेंसिटी भी पता थी, यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेट, जो भी 332 आ गया, 332.5। ये डेरिवेशन आएंगी दोनों, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, तो डेंसिटी, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, याद रखना है। टेम्परेचर में याद रखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता, याद रखना। एम्पलीट्यूड का कोई अफेक्ट नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई अफेक्ट नहीं है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में वेव फंक्शन कुछ नहीं करना, आपने इक्वेशन याद करनी है। जो वेव की इक्वेशन है वो ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, और इसमें k क्या होता है, या तो 2 पाई बाय लैम्डा या ओमेगा बाय वी, याद करना ये इंपॉर्टेंट है, ओमेगा बाय वी इंपॉर्टेंट है, वेव की क्वेश्चन पे क्वेश्चन पक्का आएगा। या फिर ये याद करो, वेव की क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है, मेथड नहीं करना, या ये याद करो, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो आगे ट्रेवल करती है उसमें वेव की क्वेश्चन या तो ये है या तो वेव की क्वेश्चन ये है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो दो ही क्वेश्चन याद करनी है और एक फॉर्मूला याद करना है, जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद एप्लीकेशंस हैं, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स, किसकी एप्लीकेशन है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव आ सकती है डेफिनेशन, व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो आपने याद करनी है। प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ट्रेन्स ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली ओवरलैप ऑन वन अदर विदाउट लूजिंग देयर इंडिविजुअल शेप या नेचर इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
साथ में लिखना ये वेक्टर सम होता है, जो नया वाई का फंक्शन आएगा या वाई वेक्टर आएगा वो वाई वन वेक्टर वाई टू वेक्टर अप टू वाई एन वेक्टर के इक्वल आएगा। एप्लीकेशन में स्टेशनरी वेव्स और बीट्स, इसकी एप्लीकेशन आज हम करेंगे। तो रिफ्लेक्शन के अंदर याद रखना है, अगर क्रेस्ट जाएगा फिक्स्ड एंड है तो ट्रफ आएगा, और अगर मूवेबल एंड है नॉट फिक्स्ड है तो क्रेस्ट जाएगा क्रेस्ट वापस आएगा, ये याद रखना है। तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव्स आ सकते हैं। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव में व्हेनेवर टू प्रोग्रेसिव वेव आर सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल विद सेम स्पीड थ्रू अ मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, याद रखना इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टैंडिंग वेव में दो वेव मिलती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बीट्स में दो वेव मिलती हैं इन सेम डायरेक्शन, याद रखना। तो ओवरलैप हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो रिजल्टेंट वेव को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव हम तैयार करेंगे तीन केस में। पहले स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग इज टाइड एट बोथ एंड्स, तो स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स में करेंगे। तो इसके अंदर मान लो एक वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, एक वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वीटी माइनस एक्स, टकरा के स्ट्रिंग है टकरा के वापस आ रही है तो वीटी प्लस एक्स, और प्रेस जा रहा है ट्रफ वापस आ रहा है तो ये भी माइनस। सुपरपोजिशन करना है, दोनों वेव को मिला देना है, मिला के सी एंड डी फॉर्मूला लगाना है, नहीं करना कोई बात नहीं, सीधा लिख दो दिस इज द न्यू वेव की इक्वेशन। इस नई वेव की इक्वेशन में जिसमें एक्स टर्म आ रही है, टी नहीं इसमें टी आ रहा है, इसमें एक्स टर्म आ रही है, ये एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल लिखना है। इसके बाद लिखनी है बाउंड्री कंडीशंस। स्ट्रिंग के केस में बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड क्या होगा जीरो, फिक्स्ड एंड है, और x इज इक्वल टू l पर भी y क्या होगा जीरो। तो आप जब यहां पर x को जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो इज जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन जब x की जगह l पुट करोगे तो ये साइन ऑफ दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या आनी चाहिए जीरो, और जीरो कब आएगी जब ये वैल्यू क्या होगी n पाई। तो इन्हें इक्वेट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l, तो l आ गया। फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की जगह 1 पुट करेंगे तो l क्या आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा का मतलब होता है दो लूप्स, और लैम्डा बाई 2 का मतलब एक लूप। तो एक लूप ड्रॉ करनी है डायग्राम में, दो नोड्स हैं और बीच में एक एंटी नोड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 1 आ गया, न्यू 1 क्या होगा v बाय लैम्डा 1, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक। तो वेलोसिटी स्ट्रिंग में क्या होती है रूट टी बाई म्यू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऊपर वाले फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर देते हैं तो l क्या आएगा लैम्डा 2, न्यू 2 क्या आएगा v बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 क्या है l, न्यू 2 न्यू 1 को डिवाइड करेंगे तो न्यू 2 इज 2 टाइम्स न्यू 1, और यहाँ से l लैम्डा है, लैम्डा का मतलब दो लूप्स आएंगे। तो डायग्राम ड्रॉ कर लें, इसमें दो मोड सफिशियंट है, यहाँ तक कर दो, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। फिर पाइप, ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड, स्ट्रिंग वाली इक्वेशन सेम सेम बिल्कुल सेम, एम्पलीट्यूड तक सेम। बाउंड्री कंडीशन फिक्स्ड एंड है, x जीरो पे y जीरो है, x l पे y मैक्स है, ओपन एंड है। तो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में x को जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो है, और जब l पुट करेंगे तो ये टर्म क्या आनी चाहिए मैक्सिमम, दैट इज प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 कब आती है जब ये साइन ऑफ ये एंगल क्या होगा 2n माइनस 1 इनटू पाई बाय 2। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके एल आएगा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन को 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 का मतलब एक लूप, लैम्डा बाय 4 का मतलब आधी लूप। तो डायग्राम ड्रॉ करना है, कॉर्नर पे एंटी नोड और नोड, लैम्डा 1 4l है, न्यू 1 v बाय लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 की जगह 4l है, तो ये न्यू 1 की वैल्यू आ गई, न्यू 1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह ऊपर 2 पुट करना है तो 3 बाय 4 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 बाय 4 का मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, डायग्राम ड्रॉ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 2, न्यू 2 इज वी बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, न्यू 2 को न्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू न्यू 1, यहाँ तक करेंगे बस। फिर ये करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग वेव्स इन अ पाइप ओपन एट बोथ हैंड, तीसरा केस है। तीसरे केस में एक वेव जाएगी क्योंकि ओपन एंड है, फिक्स्ड एंड नहीं है, ओपन एंड है, वापस भी अगर क्रेस्ट गया क्रेस्ट ही आएगी तो वाई नेगेटिव नहीं होगा, पर क्योंकि वेव वापस आ रही है तो माइनस की जगह प्लस होगा।
सुपर पोजिशन करेंगे, सी एन डी लगाएंगे, सीधा याद कर लेंगे, ये एम्पलीट्यूड इस बार साइन में नहीं आएगा, इस बार कॉस में आएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, दोनों एंड्स ओपन है, तो एक्स जीरो पे वाई मैक्स है, एक्स एल पर भी वाई मैक्स है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। तो एम्पलीट्यूड के अंदर जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो क्या है, वन मैक्सिमम, और जब एल पुट करेंगे तो कॉस ऑफ ये एंगल क्या आएगा, मैक्सिमम प्लस माइनस वन। ये एंगल प्लस माइनस वन कब आएगा, जब ये टर्म क्या होगी, एन पाई, सॉल्व करके एल आ गया। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह वन, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू का मतलब लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, पर इसमें बनाना ऐसा पड़ेगा क्योंकि ओपन एंड में दोनों एंड पर क्या आते हैं, एंटी नोड, एंटी नोड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा वन टू एल, तो फ्रीक्वेंसी वी बाई लैम्डा वन से वी बाई टू एल, फंडामेंटल आ गई। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में टू पुट करेंगे तो लैम्डा टू, लैम्डा टू का मतलब लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लैम्डा टू को एल पुट करेंगे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो न्यू टी इज टू टाइम्स न्यू वन टर्न। तो दो दो केस डिस्कस करते हैं, हो जाएगा। ये करने के बाद ये टेबल याद करना है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो इसके अंदर हमने किया अभी, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड, पाइप ओपन एट वन हैंड, पाइप क्लोज एट बोथ हैंड, तीनों केस किए, तीनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें क्या आई थी, वी बाई टू एल, इसमें वी बाई फोर एल, इसमें वी बाई टू एल, फंडामेंटल आ गई। ओवरटोन्स क्या होते हैं, ओवरटोन्स जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल होती है, उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ओवरटोन्स बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल है, तो ये पहला ओवरटोन है। या ऐसा भी याद कर सकते हैं, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें से वन माइनस कर देंगे तो ओवरटोन का नंबर आ जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो ओवरटोन जीरो है, टू है तो वन है, थ्री है तो टू है, फोर है तो थ्री है, एंड सो ऑन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी टू इंटू न्यू वन है, थ्री इंटू न्यू वन है, फोर इंटू न्यू वन है। पाइप ओपन एंड वन एंड क्लोज एट अदर एंड में न्यू वन है, थ्री न्यू वन है, फाइव न्यू वन है, सेवन न्यू वन है। नेक्स्ट पाइप ओपन एट बोथ एंड में न्यू वन है, टू न्यू वन है, थ्री न्यू वन है और फोर न्यू वन है। ऐसे हमने अभी टेबल देखा बनाया। ये जो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, न्यू वन का जो कोफिशियंट होता है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड फिफ्थ सेवन्थ, फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, हार्मोनिक्स भी क्लियर है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने करवाए थे, मैंने कहा था टेबल जरूर माइंड में रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो पूछते हैं ना सेकेंड मोड ऑफ, जैसे ये देखो अभी आएगा, चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो उसमें पूछता है कि सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकेंड ओवरटोन का केस सॉल्व करो, तो आपको पता होना चाहिए उस सेकेंड ओवरटोन के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, तो टेबल हेल्प करता है। बीट्स है, बीट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बीट्स के अंदर कैसे बनती है बीट्स, डेफिनेशन याद करनी है। When two harmonic waves nearly of same frequency, not of same frequency, nearly of same frequency, traveling in a medium along same direction, overlap करती हैं, superimpose करती हैं, तो intensity of the sound at a point in the medium rises and falls periodically. तो intensity या amplitude कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, तो इसको result, इसको हम क्या बोलते हैं, beats produce हो गई। Formation of beats में अगर एक number में आएगा graphical method, तो diagram बना देना, एक wave दूसरी wave मिलके एम्पलीट्यूड हाई लो हाई लो कैसे बना देना, पर ज्यादातर मैथमेटिकल आता है। क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स डिस्कस करो मैथमेटिकली, तीन नंबर में आएगा, तो ये डेरिवेशन करनी है। तो इसके अंदर एक वेव ये रही, वेव की क्वेश्चन लिखी, इसको मॉडिफाई किया कैसे, लैम्डा वन को इससे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वी बाय लैम्डा वन क्या है, न्यू वन, ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन है और ये सेकेंड वेव की इक्वेशन है, न्यू वन की जगह न्यू टू। हम एक काम करेंगे, इन वेव्स को मिलाएंगे जब x की वैल्यू जीरो है ओरिजिन के ऊपर, x जीरो करेंगे तो ये आपके पास y1 y2 की वैल्यू आ गई, इन्हें ऐड करके ये रिजल्टेंट आ गया, सी एन डी फॉर्मूला लगाया, सी एन डी फॉर्मूले के बाद ये वैल्यू आएगी, इसमें जो भी आंसर आएगा एक साइन एक कॉस आएगा। आपने कॉस वाली टर्म को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मानना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। फिर आपने दो केस डिस्कस करने हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो जब मैक्सिमम होगा तो ये टर्म क्या आनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। ऐसा कब होगा, जब ये कॉस ऑफ ये एंगल क्या होगा, एन पाई, सॉल्व करके टाइम आ गया, जीरो वन टू थ्री फोर पुट करेंगे तो टाइम इंटरवल्स आ गए, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। ठीक, किन्हीं भी दो टाइम को माइनस करेंगे तो टाइम पीरियड आ गया, और वन से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई मैक्सिमम की। फिर दूसरा केस भी डिस्कस करेंगे, मिनिमा। मिनिमा में
ये जो कॉस की टर्म है क्या आनी चाहिए, जीरो। ऐसा कब होगा, टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू, टाइम आ गया जीरो वन टू थ्री फोर पुट करेंगे, टाइम इंटरवल्स आ गए, जब मिनिमा आएगा, किन्हीं भी दो टाइम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा, और डिवाइड करेंगे वन के साथ तो फ्रिक्वेंसी आएगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिनिमा आ गया, और अगर इसको प्लॉट करेंगे तो टाइम है ये, मैक्सिमा जीरो पे आया था, फिर मैक्सिमा इस टाइम पे आया था, मैक्सिमा इस टाइम पे आया था, मिनिमा इन इन टाइम्स पे आए थे। ये लाइन ये शो कर रही है कि मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे। और एक बीट का मतलब एंड में लिखना है, एक मैक्सिमा एंड एक मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू वन माइनस न्यू टू, तो बीट की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, न्यू वन माइनस न्यू टू। यहां तक करके आना है आपने, बीट की फॉर्मेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बीट्स है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के काम आती है, म्यूजिशियन यूज करते हैं इसे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या अंतर है, डिफरेंस। फर्स्ट है, स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल जो नोड्स पे है ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, पर ट्रैवलिंग वेव में देर इज नो पार्टिकल जो हमेशा रेस्ट पे रहता है। सेकेंड है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी उन लूप्स के अंदर ही कंस्ट्रेंट रहती है। थर्ड है, स्टैंडिंग वेव में ऑल पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजिशन टुगेदर, जबकि टुगेदर वाला कोई केस ट्रैवलिंग में होता नहीं, हर कोई अपने अपने टर्न से ऊपर नीचे होता है। तो ये तीन डिफरेंसेस लिख सकते हो। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर ये फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू है। बस इतना ही सफिशियंट है, ये करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस ये बताया हुआ है पिच ऑफ साउंड क्या होती है। हम फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब होता है कि तीखी आवाज है, कम का मतलब मोटी आवाज है। लेकिन जो ब्रेन है वो पहले आवाज सुनता है, तो जो अब ईयर जो है वो आवाज को सुनेंगे और ब्रेन तक सिग्नल देंगे। ब्रेन जो सोचेगा, ऑब्जर्व करेगा, प्रोसेस करेगा सिग्नल, तो ब्रेन की लैंग्वेज में उसको पिच बोलते हैं। वैसे पिच फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही बात है। तो ब्रेन कैसे ऑब्जर्व करता है फ्रीक्वेंसी को, उसको पिच बोलते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी अपीयर्स रिलेटिवली फ्लैट या लेस श्रिल, लो पिच है, और हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच है। हाई पिच रैपिड ऑसिलेशन है, तेज तेज ऑसिलेशन है, तीखी आवाज आएगी, और लो पिच का मतलब स्लो ऑसिलेशन है। साउंड के कुछ फैक्ट्स हैं, साउंड वेव्स में नॉट ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, साउंड वेव SHM में होगी जरूरी नहीं है। नॉर्मल जो ह्यूमन ईयर है बट 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सिग्नल को सुन सकता, ऑडिबल रेंज है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है, और बैट्स कैन हेयर 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो पहली, वो कह रहा है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकालता है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। पहली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और बाकी फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स। और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। तो वेव की इक्वेशन के ऊपर, इसके ऊपर साउंड की स्पीड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो हमने किए हुए हैं वो अभी एक बार ट्राई करना। मेन इसके अंदर एक तो ये बीट्स वाला, लैपलेस वाला, स्ट्रिंग्स वाला, ये जो हमने किया स्टैंडिंग वेव्स, इसके बाद ना ये नहीं करना, ये NCERT में नहीं आता, ये आएगा पक्का, आएगा वेव की इक्वेशन के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। तो वेव की इक्वेशन ये रही, वेव की इक्वेशन में सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये वेव की इक्वेशन है, तो यहां से वो पूछेगा एम्पलीट्यूड वेलोसिटी सब कुछ निकालो, तो आप इसके नीचे वेव की इक्वेशन लिख लें, इसे कंपेयर करें, एम्पलीट्यूड है 10 की पावर -6, ओमेगा क्या आएगा 100, के क्या आएगा 20, इनिशियल फेस क्या आएगा π/4। अब क्योंकि आप ओमेगा और के निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी के क्या होता है, ओमेगा बाई वी, वी क्या होता है, ओमेगा बाई के, सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जैसे एक और वेव की क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं, तो जान के वो क्या करेगा, 2π को ब्रैकेट के बाहर रखेगा, इंपॉर्टेंट है, तो आपने 2π को इससे मल्टीप्लाई करके पहले ठीक तरह करके लिखना है, फिर कंपेयर करना है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा क्या आएगा 2π, ए क्या आएगा 10, के क्या आएगा ये रखे, के आ गया, ओमेगा आ गया, सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी, पक्का आएगा वेव की इक्वेशन पे क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वेव की इक्वेशंस के, ये नहीं आएगा, मेंस की शीट है,
ये न्यूमेरिकल्स जो टेबल बनाया था उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जैसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 है, क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती क्या है, वी बाय 4L, तो यहाँ से वी बाय एल आ गया। फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का मतलब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड में फिफ्थ हार्मोनिक होता है, तो फ्रिक्वेंसी वी बाय 4L है, वी बाय एल निकाल चुके हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। ओपन क्लोज कुछ लिखा नहीं, बोलना चाहिए उसे, गलत है यार, बोला जाता है क्लोज या ओपन बोला जाता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपने पक्का करने हैं। इसके बाद ये नहीं आएगा रेजोनेंस ट्यूब, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। बीट्स, बीट्स में तीन इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें वैक्स वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और फाइलिंग वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्यूनिंग फोक को फाइल करना है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और वैक्स लगाना है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, याद रखना। तो क्वेश्चन है कि ये लिखा हुआ है इसमें फाइल करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टेंशन बढ़ाने से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसके अंदर दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, वो कह रहा है दोनों की फ्रीक्वेंसी इनिशियली 384 है, दे आर इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब फ्रीक्वेंसी का सेम होना। फिर हमने क्या कर दिया, एक को फाइल कर दिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ बीट दोनों की तीन आ गई, तो बोलो सेकेंड की फ्रीक्वेंसी क्या हुई। तीन बीट्स का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी या तो 384 प्लस 3 होगा या 384 माइनस 3 होगा, पर फाइलिंग का केस में फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती, बढ़ती है, तो आंसर क्या होगा, 384 प्लस 3, ठीक है। वैक्स वाली प्रॉब्लम में ट्यूनिंग फोक अरेंजमेंट है, चार बीट्स पर सेकेंड है और ये फ्रीक्वेंसी है, एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी गिवन है और दूसरी ट्यूनिंग फोक के साथ उसकी चार बीट्स जनरेट हो रही हैं। लिटल वैक्स लगा दिया अननोन के साथ, तो बताओ अननोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जो नोन फ्रीक्वेंसी 288 है, अननोन के साथ चार बीट्स है, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 288 प्लस 4 है या 288 माइनस 4 है, क्या है पॉइंट, क्लियर है। तो या तो आंसर 292 होगा या आंसर 284 होगा, एक आंसर होगा। वैक्स किस पे लगाया, अननोन पे, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आप ऐसे केस मन में सोचेंगे 284 पे वैक्स लगाएंगे, फिर 283 282 कुछ भी हो सकता है, और ऐसे 292 291 कुछ भी हो सकता है। तो आपने इन में से वो आंसर चूज करना है कि जिससे डिफरेंस क्या आ जाए, तीन आ जाए, 286 के साथ आंसर डिफरेंस तीन आ रहा है, तो 292 इज द आंसर, उसमें आएगा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वैक्स और फाइलिंग का क्वेश्चन कैसे करना है, हमने किए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके अंदर बीट्स के बाद जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है डॉपलर्स अफेक्ट। तो डॉपलर अफेक्ट के ऊपर भी आ सकता है, व्हाट इज डॉपलर अफेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डॉपलर अफेक्ट के अंदर इट इज ए फिनोमेना ऑफ चेंज इन अपेरेंट पिच ऑफ द साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर। रिलेटिव वर्ड लिखना है, रिलेटिव जो है जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए सोर्स और लिसनर का। तो इसके अंदर इट इज फाउंड दैट पिच ऑफ द साउंड अपीयर्स मोर व्हेन सोर्स ऑफ द साउंड एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर, और पिच लेस हो जाती है अगर वो दूर जा रहे हैं सोर्स और ऑब्जर्वर। केस लिख देना, थ्योरी में अगर आया तो ये लिखने को आ सकता है। दो ही केस आते हैं ज्यादातर, कि फॉर्मूला ड्राइव करो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, और फॉर्मूला लिखो जब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो ये सोर्स है, पहले यहां खड़ा था तो ये लैम्डा है, सोर्स भागता हुआ आ रहा है तो लैम्डा कम हो गया, लैम्डा अपेरेंट हो गया, कम हो गया, लैम्डा कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो लैम्डा अपेरेंट क्या होगा, लैम्डा नॉट जो शुरू में था माइनस ये डिस्टेंस जितनी वो पास आ गया, कितनी पास आ गया, जो भी सोर्स की स्पीड है उसको टाइम पीरियड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा अपेरेंट क्या आ गया, लैम्डा नॉट माइनस वी एस इंटू 1/न्यू नॉट, ये आ गया। तो लैम्डा नॉट को लिखना है वी बाय न्यू नॉट, यहां से सॉल्व करके लैम्डा अपरेंट आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वी बाय लैम्डा अपरेंट, लैम्डा अपरेंट को ऊपर से नीचे पुट करके ये आंसर अपने प्रूव करके आना है। ये तब है जब सोर्स पास आ रहा है, जब सोर्स दूर जा रहा है तो माइनस की जगह साइन क्या आएगा, प्लस, तो ये प्लस आ गया। फिर अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ऑब्जर्वर को न्यू नॉट तो वैसे भी सुनाई दे रहा है, अगर वो पास नहीं भी आ रहा है, इस बार जो सोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो उसकी स्पीड को लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस करेंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी,
तो यहां से लैम्डा की जगह वी बाई न्यू नॉट, तो ये न्यू डैश आ गया, तो आंसर आ गया। अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो ये न्यू डैश आ गया, दूर जा रहा है तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया ऐसे। तो और अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो ये सीधा फॉर्मूला लिख देना, ये आमने सामने का फॉर्मूला है। और अगर इनमें से कोई भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो साइन वेलोसिटी का नेगेटिव हो जाएगा। हमने डॉपलर किया था डॉपलर के न्यूमेरिकल के अंदर भी हमने क्या देखा था कि हमें सिर्फ केस आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा केस है डॉपलर का, बस फिर तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बात खत्म। तो डॉपलर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट आ सकता है, थ्योरी में लिखने को आ सकता है, बीट्स का मैथमेटिकल मेथड आ सकता है, वो स्टैंडिंग वेव का तीन में से कोई भी एक केस आ सकता है, लैपलेस न्यूटन तो पक्का आएगा, वेव की इक्वेशन पक्का आएगी। ये मेन मेन टॉपिक्स हैं जो पक्का आएंगे, वेव की इक्वेशन और लैपलेस न्यूटन तो 100% आना चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं, मेरे पे विश्वास ना करना, सारा कोर्स करके जाना।